हेलो गाइस, वेलकम टू रियान मैजिक किचन। सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें रियान मैजिक किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है प्यारे कबाब। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 250 ग्राम, हरी मिर्च, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, काजू, चिकन तंदूरी मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, बटर, मिल्क, ब्रेड स्लाइस। सबसे पहले हम लोग ब्रेड स्लाइस को शोक करेंगे मिल्क से। इसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में हमें चिकन को ऐड करना है साथ ही ऐड करेंगे सोक किया हुआ ब्रेड स्लाइस। 2 स्लाइस हम लोग लिए हैं ब्रेड के, 250 ग्राम चिकन और उसमें 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। साथ ही ऐड करेंगे धनिया पत्ता, हरी मिर्च और पुदीना पत्ता। साथ ही ऐड करेंगे हम हमारे सारे जो ड्राई मसाले थे ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे बटर, इन सभी को अच्छे से हमें बारीक ग्राइंड करना है कि एक डो फॉर्म में आ जाए। इस तरह से हमें ग्राइंड करना है और साथ ही साथ बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, पेस्ट हमारा कबाब का रेडी हो चुका है। ये एक डो फॉर्म में रेडी किए हैं हमने। हम एक पेंसिल ले रहे हैं, पेंसिल की हेल्प से कबाब का शेप देंगे। हम इस तरह से शेप दे रहे हैं, प्यारे कबाब इस तरह के ही शेप से अच्छे लगते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट ना करें, मीडियम टेम्परेचर ऑयल का रखें। सारे कबाब को इस तरह से हम फ्राई करेंगे टर्न करते हुए, सभी तरफ से अच्छे से कबाब सेक जाने चाहिए। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे कबाब सेक चुके हैं। ये अच्छे कलर गोल्डन कलर के हो चुके हैं। इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ग्रीन चटनी का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है कबाब का। इसे आप मेहमानों को दें, सर्व करें मेहमानों को, बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे मेहमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।